नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बीपीएससी के द्वारा जो 1,70,000 पदों पर बहाली के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया था, इसके आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई थी, लेकिन अचानक से सर्वर डाउन हो जाने की वजह से विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से जो तिथि है वो 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और अब 1,70,000 पदों पर बहाली के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई। हम आपको बताते चलें कि बीपीएससी के अध्यक्ष अस्तुल प्रसाद ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये साफ लिखा है कि जहां पर 12 जुलाई थी 1,70,000 पदों पर जो बहाली निकाली गई थी, इसमें आवेदन डालने की जो अंतिम तारीख थी वो 12 जुलाई थी, लेकिन अब इसे 15 जुलाई कर दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि हाल ही में डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद बिहार के बाहर के भी शिक्षक अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म डालने की शुरुआत कर दिए थे, जिस वजह से एकाएक कई सारे अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म डालने लगे और सर्वर डाउन हो गया। इस वजह से लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आयोग को कई सारी ऐसी शिकायतें मिल रही थी। इन सारी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब 1,70,000 पदों पर जो बहाली निकाली गई, इस बहाली के लिए आवेदन भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई कर दी गई है। जहां पर ये अंतिम तारीख 12 जुलाई थी, तो इसे 3 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और अब इसकी अंतिम तारीख 15 जुलाई है। ये तमाम जानकारी दरअसल बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपने ट्वीट करके दिया है। उन्होंने ट्वीट कर ये तमाम जानकारी दी है और अब कुछ समय बाद आयोग की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी जाएगी। हम आपको बताते चलें कि एप्लीकेशन फॉर्म का अंतिम तारीख 15 जुलाई है और इसके बाद अगस्त में 24, 25 और 26, 27 को परीक्षा होगी। परीक्षा 2 पाली में दी जाएगी। हम आपको बताते चलें कि जो शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा है वो 24, 25, 26 और 27 अगस्त को 2 पाली में होगी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9 से 10 और 11-12 के शिक्षक के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। संबंधित विषय में अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। ये तमाम जानकारी अतुल प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है और इसके बाद आयोग की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी जाएगी। हम आपको बता दें तो वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ आयोग पूरे परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में लगातार प्रदर्शन करें, इसको लेकर जो है मानसून सत्र में भी बीजेपी के द्वारा मुद्दा उठाया जाएगा। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था, तो कल यानी कि 11 जुलाई इस मुद्दे पर बीजेपी मार्च भी निकालेगी और शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन कल देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच आज अतुल प्रसाद ने ये बड़ा ऐलान कर दिया अपने ट्विटर हैंडल से। उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब बीपीएससी में जो आवेदन डालने की अंतिम तिथि थी, ये 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बारे में कोई भी अपडेट निकलकर सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।